नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी .com और मैं आपके साथ संजीव लाल मैं मौजूद हूँ जोरीपुर एनक्लेव के पास, और यहाँ पे मेरे साथ मौजूद है कुछ कार्यकर्ता भाजपा से। आपको बता दें, आज भाजपा के उत्तर पूर्वी प्रत्याशी मनोज तिवारी जा रहे हैं नामांकन के लिए। इस तरीके से आप देख सकते हैं जगह जगह पर उनके समर्थन में कार्यकर्ता इकट्ठे हो रहे हैं और उनके साथ नामांकन के लिए SDM ऑफिस नंद नगरी पहुंचेंगे। अभी मेरे साथ कार्यकर्ता है। नमस्कार सर, कैसे हैं? मैं एकदम ठीक हूँ भाई। सर, आज नामांकन के लिए आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? आज माननीय सांसद मनोज तिवारी जी के नामांकन का दिन है और आज हमारे साथ में भदौरीपुर मंडल के सभी कार्यकर्तागण अपनी बाइकों के साथ, अपने वाहनों के साथ हमारे साथ में लोकसभा कार्यालय यमुना विहार पहुंच रहे हैं, और हमारे साथ 200 बाइकें हमारे साथ उसका पूरा जत्था जा रहा है। हर बाइक पर एक एक दो दो आदमी हमारे साथ में है और आज नामांकन का दिन है जिसके लिए हम SDM कार्यालय पे पहुंचेंगे। हमारे साथ में गणमान्य कार्यकर्ता, हमारे निगम पार्षद कन्हैयालाल जी, भाई राजकुमार जी और सभी वरिष्ठ के कार्यकर्ता हमारे साथ में, हमारे मंडल पूर्व अध्यक्ष मुकेश जी हैं, रामचंद्र यादव जी हमारे वरिष्ठ अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष, तो इसी तरीके से काफी सभी हमारे कार्यकर्ता हैं। मेरे महामंत्री हैं योगिंदर जी और हीरालाल शर्मा जी भी मेरे साथ हैं। सभी श्रेष्ठ कार्यकर्ता हमारे साथ में, पूरा मोर्चे, सातों मोर्चे हमारे साथ में, सातों मोर्चों के अध्यक्ष और उनके साथी कार्यकर्ता हमारे साथ में। बात करें कि अभी उत्तर पूर्वी से कांग्रेस प्रत्याशी कन्हैया लाल, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि वो भी पूर्वांचली हैं और मनोज तिवारी भी पूर्वांचली हैं, क्या लगता है बराबर की टक्कर रहेगी? देखिए, कन्हैया लाल के बारे में अगर जो कहा है तो कन्हैया जी ने टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन करके अपने आप पैरों पे कुल्हाड़ी मारी और उससे भी ज्यादा बेवकूफी कांग्रेस ने उसे टिकट देके करी है, जिसका सभी लोग विरोध कर रहे हैं और इस विरोध में जन जन जो है वो आक्रोश है उसमें, और भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। और कन्हैया लाल जी दूर से दूर, कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहे हैं और कहीं पर भी उसका कोई भी वो नहीं है। अच्छा, इस तरीके से बाबा 400 पार के नारे लगाए जाते, क्या लगता है कि मोदी जी इस बार वापस आएंगे और 400 पार के साथ आएंगे? ये तो बिल्कुल कंफर्म है कि मोदी जी वापस आएंगे और 400 पार के साथ ही वापस आएंगे, क्योंकि एक तरफ राष्ट्र के जोड़ने वाली ताकतें हैं, राष्ट्र का विकास करने वाली ताकतें हैं, राष्ट्र को पूरे विश्व के अंदर गौरवान्वित करने वाली ताकतें हैं, दूसरी तरफ वो लोग हैं जो अपने आप को बचाने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं। उन्हें राष्ट्र से कोई लेना देना नहीं है, उन्हें सिर्फ अपने और अपने परिवार से लेना देना है। तो ऐसी स्थिति में जनता सब कुछ समझती है, पूरा देश जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, जिस तरीके देश विकास कर रहा है और जिस तरीके से शिक्षित और नौजवान मोदी जी के साथ जुड़ रहा है, वो इस बात का सिंबल है कि 400 पार होकर रहेगा। बोलो भारत माता की जय। इस तरीके से आपने देखा, कार्यकर्ताओं का ये कहना है कि जो राष्ट्र के लिए काम कर रहा है, जो जनता के लिए काम कर रहा है, आज जनता समझ गई है। आज उसके समर्थन में जितने भी कार्यकर्ता है, ये आज जोरीपुर मंडल है और ऐसे कितने ही मंडल है जो आज मनोज तिवारी के समर्थन में आज पहुंचेंगे। और मैं देख सकता हूँ सारी बाइकें सजाई हुई है, सभी ने अपनी बाइकों के ऊपर कमल का चिन्ह, कमल का झंडा, भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगाया हुआ है। साथ ही साथ मैं देख सकता हूँ यहाँ पे, क्या मैं यहाँ पे भी घुमाए कि अपनी टी शर्टों पे उन्होंने मोदी जी का फोटो लगाया हुआ है। मैं पीछे भी घुमाएंगे, भाजपा और कमल का चिन्ह लगा के जय श्री राम के नारे, भारत माता की जय बोलते हुए ये लोग जा रहे हैं आज मनोज तिवारी के समर्थन में। क्या कहना चाहेंगे आज नामांकन के लिए? राजीव जी, पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा, आपकी टीम को धन्यवाद देना चाहूँगा और पंजाब केसरी को धन्यवाद देना चाहूँगा जो जमीनी हकीकत को जन जन तक पहुँचाने का काम कर रही है। और उसकी बात ज्यादा बड़ी बात ना करते हुए कुछ कम शब्दों में सीधे सीधे अपनी बात पे आता हूँ। सबसे पहले देश के प्रधानमंत्री जी विश्व के प्रधानमंत्री है, आज भारत ही नहीं पूरा विश्व उनके ऊपर निर्भर है। और जो हमारा कैंडिडेट है मनोज तिवारी जी, वो अब की बार तीसरी बार यहाँ से जीतने वाले हैं और यहाँ की जनता उन्हें 5 लाख वोटों से अब की बार जिताएगी। भीड़ इतनी है कि हम लोग खुद जो है आगे नहीं जा पा रहे हैं और बस इतना कहेंगे कि ये नजारा आप दिखा दीजिए कि रिजल्ट क्या होने वाला। रिजल्ट यही होगा कि कन्हैया कुमार बुरी तरीके से हारेंगे।